और एक और बड़ी खबर सामने आई, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो नुकसान का जायजा लेंगे। बिपरजॉय से हुए नुकसान का जायजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे। पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर का मुख्यमंत्री द्वारा दौरा किया जाएगा। 20 और 21 जून को इन जिलों का दौरा करेंगे। बूंदी, कोटा, झालावाड़ और दौसा यात्रा कार्यक्रम जो है वो फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से बिपरजॉय तूफान का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, कई जगहों पर नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। वैसे में मुख्यमंत्री द्वारा जायजा लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शशि, जिस तरीके से प्रदेश भर से नुकसान को लेकर खबरें सामने आ रही है, बिपरजॉय का जो असर देखने को मिल रहा है, अब बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर जायजा लेंगे, कौन कौन से क्षेत्रों में मुख्यमंत्री यहाँ पर जायजा लेने जा रहे हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे। अंकुर, मुख्यमंत्री की तरफ से होने वाले हवाई सर्वे की खबर हमने थोड़ी देर पहले दर्शकों को दिखाई थी। अब जिन जिलों का सर्वे होना है उनकी जगह भी साफ आ गई है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा अपडेट यह है कि कल मुख्यमंत्री जो हाड़ौती के दौरे पर जाने वाले थे, बूंदी, झालावाड़, कोटा का जो उनका दौरा था वो स्थगित हो गया है। अब उसके लिए बाद में नई तारीख तय की जाएगी। बहरहाल कल जब मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करेंगे तो इसमें बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और मुख्यमंत्री का गृह जिला जोधपुर शामिल होगा। सबसे ज्यादा जो बिपरजॉय ने प्रभावित किया है वो इन्हीं इलाकों को किया है, जहां जहां जल भराव की स्थिति है उन जगहों का हवाई सर्वे होगा। बाड़मेर में भी कई जगह पानी भरा है, साथ में पाली में भी पानी भरा है। तो जालौर में जो कुछ जगह हादसे हुए हैं, उनसे जो नुकसान हुआ है, उन सब इलाकों का मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करेंगे। तूफान की जो तीव्रता थी उससे कितना नुकसान हुआ है, बिजली के जो खंभे और जो सप्लाई तंत्र है उसमें कितना नुकसान हुआ है, साथ में और कोई अगर उसका नुकसान हुआ है, जलभराव की स्थिति रही है, तो उन जगहों का भी हवाई सर्वे के जरिए सीएम अशोक गहलोत कल जायजा लेंगे। सुबह उनका हवाई सर्वे होगा और इसी के चलते उनके दौरे के कार्यक्रम में जो हाड़ौती का दौरा था उसमें बदलाव हुआ है। ठीक है, ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।